अगर आप भी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन सारे पॉइंट्स पर आप जरूर ध्यान देना। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चेदानी। अरे मेरा मतलब बच्चेदानी का मुंह। दोस्तों अगर आप अपने पति के साथ उस दिन संबंध बनाती हो जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लगभग हर महिला की बच्चेदानी का मुंह अगले पीरियड से 14 डेज यानी 14 दिन पहले खुलता है और जिस दिन ये मुंह खुलता है उस दिन आपके शरीर में कुछ लक्षण भी नजर आते हैं। खैर उन लक्षणों के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, पर बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन लक्षण इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उस दिन आपके अंडाशय से अंडा बाहर आता है जिसकी वजह से अंडा और शुक्राणु के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलो अब हम वो दिन निकालना सीख लेते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको उस दिन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, पर उससे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लो कि आपको पहला पीरियड 11th जून को आया था और अब दूसरा पीरियड 9th जुलाई को आया है, तो इस केस में अगर आप 11th जून और 9th जुलाई को भी काउंट करोगी तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ हुई 29 डेज की। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये डेज काउंट भी कर सकती हो और 29 डेज की पीरियड साइकिल लेंथ के हिसाब से इस केस में आपका अगला पीरियड 6th अगस्त को आएगा और इसलिए ही आपकी बच्चेदानी का मुंह 6th अगस्त से 14 दिन पहले खुलेगा यानी 24th जुलाई को खुलेगा। आप इसे भी काउंट कर सकती हो। तो दोस्तों अगर इस केस में आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो आपको 24th जुलाई को और 24th जुलाई के आसपास वाले दिनों में संबंध जरूर बनाने चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के शुक्राणु बच्चेदानी के अंदर आसानी से चले जाते हैं और अंडे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फिर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और दोस्तों एक और चीज, पुरुष के शुक्राणु महिला की बच्चेदानी के अंदर आसानी से जा सके उसके लिए आप संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट सीधा भी लेट सकती हो। अगर आप संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट सीधा लेटती हो तो आपको प्रेग्नेंट होने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन फ्रेंड्स बस 10 से 15 मिनट ही सीधा लेटिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है हाइड्रोसेल्पिंग्स। दोस्तों अगर आपको पेट के निचले एरिया पर दर्द होता है या वाटरी डिस्चार्ज निकलता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो। और दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो तो हाइड्रोसेल्पिंग्स आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरने का कारण हो सकता है। दरअसल जब महिला की फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाता है तो उसे हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। और क्या आपको पता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब से ही अंडा बाहर आता है, लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है तो अंडा बाहर ही नहीं निकल पाता जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाती। खैर इस प्रॉब्लम के लक्षण तो पहले ही मैंने इस वीडियो में बता दिए, लेकिन कई बार तो महिला को इसके लक्षण नजर ही नहीं आते। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो आप अपनी फेलोपियन ट्यूब्स का चेकअप जरूर कराएं। हाइड्रोसेल्पिंग्स के अलावा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में और भी कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से एक महिला प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स, एडिनोमायोसिस और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों इसलिए ही मैं आपसे एक बार और कहूंगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसका इलाज पहले ही करवा सको और प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है स्पर्म्स। देखिए एक पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म्स को ही ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक का सफर तय करना होता है और अंडे के साथ फ्यूज होना होता है। और पुरुष के शुक्राणु ये सफर जब ही तय कर पाएंगे जब पुरुष के शुक्राणु की फिटनेस अच्छी होगी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक पुरुष का स्पर्म काउंट मिनिमम 15 मिलियन पर ML होना चाहिए, मतलब 1 ml सीमेन में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्पर्म्स होने चाहिए और स्पर्म मोटिलिटी मिनिमम 40% होनी चाहिए। और दोस्तों आगे के कुछ पॉइंट्स में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि एक महिला अपने अंडे की क्वालिटी और पुरुष अपने स्पर्म्स की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ जो है ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो दोस्तों प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम और उससे पहले आप हरी सब्जियां जरूर खाएं। हरी सब्जियां खाने से आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और जिसकी वजह से अंडा टाइम पर निकलता है और साथ ही आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और दोस्तों मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि पुरुष को भी अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए क्योंकि हरी सब्जियां पुरुष के शुक्राणुओं के लिए भी अच्छी होती हैं। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है डोंट ईट जंक फूड। देखो यार एक सिंपल सी बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आप गंदा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ और आपका अंडा दोनों ही खराब हो जाएंगे।
एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त तला भुना जंक फूड और स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने से महिला का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स तो इरेगुलर होते ही है, साथ ही महिला का अंडा भी टाइम पर नहीं निकलता। और अब अगर महिला का अंडा ही टाइम पर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि महिला को प्रेग्नेंट होने में भी काफी मुश्किलें होंगी, तो इसलिए ही तला भुना जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है एक्सरसाइज। दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों को ही प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रोज कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है, और साथ ही एक्सरसाइज करने से स्पर्म्स की और अंडे की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि महिलाएं ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं अपने सेवेंथ पॉइंट के बारे में, जिस पर कपल्स को प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा सेवेंथ पॉइंट है प्रीनेटल विटामिंस। दोस्तों, कपल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्रीनेटल विटामिंस भी जरूर खाने चाहिए। दरअसल प्रीनेटल विटामिंस खाने से बच्चे की हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ ही बच्चे ठहरने में भी महिला को काफी मदद मिलती है, क्योंकि ये विटामिन्स खाने से महिला के अंडे की और पुरुष के शुक्राणु की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही महिला का हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है, जिसकी वजह से अंडा टाइम पर निकलता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने एट्थ पॉइंट के बारे में, जो है नेसेसरी टेस्ट ऑफ कपल्स बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने जरूरी टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि महिलाओं को थायराइड, प्रोलैक्टिन, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आजकल PCOS और PCOD की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना ठहरने के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो इसलिए ही महिलाएं अपना टेस्ट जरूर कराएं, और साथ ही पुरुषों को भी अपना सीमेन एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी ना ठहरने का कारण बैड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स ही होता है। तो इसके बाद हमारा नाइन्थ पॉइंट है स्ट्रेस। कई कपल को काफी कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यही कपल्स की बहुत बड़ी गलती होती है। स्ट्रेस लेने से कपल्स का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, और अगर आपका भी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया तो आपको भी प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद हमारा टेंथ पॉइंट है स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर पुरुष या महिला में से कोई भी इंसान स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल पीता है, तो आज से ही आपको स्मोकिंग करना और अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि सिगरेट और अल्कोहल दोनों ही महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु के दुश्मन होते हैं, और प्रेग्नेंट होने के लिए अंडा और शुक्राणु की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए ही सिगरेट और अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते करते एक साल से ज्यादा हो गया है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक महिला इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है, तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें।